हेलो गाइज, कैसे हो? सारा चुंकी आपका पास 4G मोबाइल फोन है, 5G में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 4G को कैसे 5G में कन्वर्ट करना है। 4G मोबाइल फोन होने की वजह से 5G अनलिमिटेड इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहे। आपका पड़ोसी, आपका दोस्त हर एक 5G यूज कर रहा है, अनलिमिटेड यूज कर रहा है। जियो एयरटेल भर भर के अनलिमिटेड इंटरनेट दे रहा है, लेकिन 5G नहीं है, इसलिए आप लोग यूज ही नहीं कर पा रहे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 4G को कैसे 5G में कन्वर्ट करना है। और आपका दोस्त, आपका पड़ोसी से आप लोग जो इंटरनेट लेते हो, हॉटस्पॉट यूज करके लेते हो, वो लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। 5G में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे आपका 10 साल पुराना भी 4G मोबाइल फोन क्यों ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। 4G मोबाइल फोन को 5G में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद इधर आप लोगों को एक ऑप्शन ढूंढना है, सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क। अगर नहीं मिल रहा है तो इधर सर्च पे सर्च करके भी ढूंढ सकते हो। तो मुझे तो इधर मिल गया सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, आप लोग भी क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और इधर एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस्ड सेटिंग, इस पर आना है। आने के बाद इधर एक ऑप्शन मिलेगा डेटा रोमिंग, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और इधर देखिए डेटा रोमिंग मेरा ऑलवेज है, आपका केस में ये नेवर रहेगा, तो इसको आप लोग ऑलवेज कर दीजिएगा और इधर टर्न ऑन कर दीजिएगा। तो पहले आपको डेटा रोमिंग को ऑन करना है। अगर डेटा रोमिंग मेरे तरह से इधर नहीं मिल रहा है तो आप लोग सर्च के अंदर सर्च करके भी डायरेक्ट ऑन कर सकते हो। तो सबसे पहले डेटा रोमिंग को आपको ऑन करना ही है। ओके, उसके बाद आप लोग को फिर से सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे आना है और इधर दो सिम कार्ड का स्लॉट देने को मिलेगा, सिम 1 एंड सिम 2। मतलब सिम 1 में जो सिम रहेगा वो इधर शो होगा, सिम 2 में जो सिम रहेगा ये सिम 2 पे शो होगा। अब जो भी सिम को 5G में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर लेना है। मैं सिम 1 को 5G में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सिम 1 पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इधर आप लोग का ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट्स नेम, इस एक्सेस पॉइंट नेम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर रिसेट कर लेना। ओके, मेरा रिसेट हो गया। अगर आप लोगों को एक्सेस पॉइंट नेम नहीं मिल रहा है इधर, तो सर्च पे जाकर सिंपली सर्च करके एक्सेस पॉइंट नेम को रिसेट कर देना। इसके बाद आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, तो प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पे आना है और इधर देखिए प्रीफर LTE, प्रीफर 3G, प्रीफर 2G। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप लोगों के मन में बहुत सारे गुस्से आएगा, बहुत सारे लोग इस वीडियो में कमेंट्स में गाली देने लग जाएगा, वीडियो को डिसलाइक करके चला जाएगा। तो देखिए, कोई भी 4G मोबाइल फोन 5G में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्या बोला तुम? 4G को कभी भी 5G में कन्वर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए, आपके मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर है वो 4G नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए ही बनाया गया है। उसमें जो नेटवर्क बैंड है, जो नेटवर्क एंटेना है मोबाइल फोन के अंदर, वो 4G को ही सपोर्ट करते हैं। 4G, 3G, 2G, ये चाहे कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, कभी भी पॉसिबल नहीं है 4G को 5G में कन्वर्ट करना। तो जो लोग ये वीडियो बना रहा है कि 4G को 5G में कन्वर्ट कर लीजिए, ये सेटिंग कर लीजिए, वो कर लीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। तो हो सकता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर बहुत गुस्सा आ रहा है वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं साथ बता रहा हूँ, जो है तो है।